हाँ पढ़ेंगे अपन क्लास 11 आर्ट्स सब्जेक्ट ज्योग्राफी बुक सेकेंड चैप्टर थर्ड और वीडियो आ जाएगा दूसरा आपके पास में। अपवा तंत्र किसे कहते हैं, पहला पढ़ा था अपने अपवा तंत्र किसे कहते हैं, तो निश्चित वाहकों के द्वारा, निश्चित वाचनिक परिपथ बताता हूँ आपको ताकि जो याद है, एक निश्चित वाहकों के द्वारा जल के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं, अपवा तंत्र कहते हैं। जल प्रवाह को क्या बोलते हैं अपने, अपवा तंत्र कहते हैं। समझा के बाद ये तीन प्रकार का होता है जल ग्रहण। नदियां अपने पानी को बहाकर जहां ले जाकर डाल देती हैं, फिर उससे पानी आगे नहीं बढ़ता है, ऐसे तत्व को क्या बोलते हैं, जल ग्रहण कहते हैं। नदियां अपने पास दो प्रकार की होती है, बारामासी और एक होती है अपने पास अल्पकालीन। बारामासी कौन सी होती है, वह नदी होती है जो 12 महीने बहती है। कितने महीने बहती है, 12 महीने बहती है, उन्हें बारामासी नदी कहेंगे, या अपन कहेंगे जो प्रतिदिन बहती रहती है, कभी भी सूखती नहीं है, ऐसी नदियों को क्या बोलेंगे अपन, बारामासी नदी के नाम से जाना जाता है। और एक नदी वो है जो कभी मानसून आता है तब तो बहती है, अन्यथा सूखी रहती है, उसे कहेंगे अपन मानसूनी नदी या अल्पकालीन नदी। समझा के बाद जब मानसून आएगा तब तो बहेगी, अन्यथा सूखी रहेगी, उसे कहेंगे अपन मानसून काल की नदी या अल्पकालीन, अल्प यानी कम, कालीन समय, कम समय के लिए बहने वाली नदी। फिर हम कहेंगे वर्षा काल, नदियां जब मैदानों में आती हैं, नदियां जब मैदानों में आती हैं तो नदियां कई भागों में डिवाइड जाती हैं, कई भागों में बढ़ जाती हैं, तो दूर से हमें वो ज्यादा लगता है जो वर्षाकाल, जैसे एक पेड़ होता है और पेड़ की अनेक शाखाएं होती हैं, उस प्रकार से चार तरफ वो बढ़ जाती है, जिसे वर्षाकाल के नाम से जाना जाता है। मुख्य नदी जब पहाड़ निकल कर मैदानों में आती है तो वो कई भागों में बढ़ जाती है, जो वर्षाकार आकृति में दिखाई देती है। इस अपने पास है आरिये, आरिये नदी क्या है अपने पास, पर्वतीय भाग से ही कई भागों में बढ़ जाती है, पर्वतीय भाग में कई भागों में जलधारा बढ़ जाती है, उसे आरिये नदी के नाम जाना जाता है। और जाली नंबर क्या होती है, जब एक मुख्य नदी के अंदर बहुत सी नदी आकर मिल जाती है, बहुत सी नदी आकर उसमें मिल जाती है, उसे क्या कहेंगे अपन, जाली नुमा आकृति के नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे उसको, जाली नुमा आकृति के नाम से जाना जाएगा। किताब में अगला देखिए अपने पास में है द्रोणी, कौन सा अपने पास है, अपवा द्रोणी देखिए, अपवा द्रोणी किसे कहेंगे अपने पास में, तो देखिए अपवा द्रोणी कहेंगे एक नदी है उसकी साई नदियां द्वारा अपवाहित क्षेत्र को, नदी और एक साई नदियां, एक नदी आ रही है और साई नदी उसमें मिल जाती है, तो सब नदियां मिलकर अपवा द्रोणी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, अपवा द्रोणी, अपवा द्रोणी के निर्माण इसका हम अपने तंत्र कर देंगे और द्रोणी कर देंगे यहाँ पे, तो अब नदी आ रही है और इसके अंदर बहुत नदी आकर मिल जाती है, तो ये जो पूरा क्षेत्र है वो अपवा द्रोणी के नाम से जाना जाएगा, यानी जाली नुमा को ही अपवा द्रोणी के नाम से जाना जाता है। अपने सीधा बोलते हैं अपवा द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल क्यों कहते हैं, अपवा द्रोणी को, अपवा द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली, दूसरे जल से अलग करने वाले क्या बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, जल विभाजक, क्या बोलेंगे, जल विभाजक। अपवा द्रोणी है इसे दूसरे जल से अलग करेंगे, दूसरे जल से क्या करेंगे, अलग करेंगे, तो क्या कहलाएगा, जल विभाजक, विभाजक, जल विभाजक। अपवा द्रोणी के जल को दूसरे जल से अलग करेंगे तो उसे जल विभाजक के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अपने पास है जल विभाजक या जल समर्थ कहते हैं, इसे जल समर्थ कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जल समर्थ कहते हैं। मानिए कि नदी बह रही है और यहाँ के जल इस प्रकार हो गया, इसके दूर भाग में यहाँ कोई पानी भरा हुआ है, तो इसे अलग भाग नहीं हुआ, तो बीच में जगह खाली हो गई अपने पास में, तो इसे क्या है, जल विभाजक दोनों अलग अलग पड़ गया वालों में, दोनों को पड़ गया ना, तो जल विभाजक हो गया और इसे अपन क्या कहेंगे, जल समर भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, अब जल समर की परिभाषा एक और है, नदी नहर तालाब झील के पानी को किसी अलग भाग में बांटकर उसके अलग क्षेत्र में डिवाइड करना जल विभाजक कहलाता है, जल विभाजक कहलाएगा या जल समर कहलाएगा, और इस पानी को खेती के लिए काम में लिया जाता है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को अपवाहित तंत्र या जल समर कहते हैं। बड़ी नदियां
बड़ी नदियां जल नदियां मिलकर आएगी उसे नदी द्रोणी कहेंगे, और छोटी नदियां आती है उसे जल समुद्र के नाम से जाना जाता है। समझा के बाद बड़ी नदियां अपने साथ नदियों के संगम को लेकर आती है, जो नदी द्रोणी कहलाती है, जल समुद्र द्रोणी कहलाती है, और छोटी नदियां आती है तो वो जल समुद्र बनाती है। सीधी बात कहते हैं, जो बड़ी नदियां होती है वो नदी द्रोणी का निर्माण करती है, और छोटी नदी आती है वो जल समुद्र का निर्माण करती है। ठीक है, नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है, क्यों बड़ा होता है इसका आकार, क्योंकि बड़ी नदियां उसे लेके आती है, और जल समुद्र का आकार छोटा होता है, क्यों होता है, छोटी नदी लेके आती है। शाबाश, नदी द्रोणी एक जल समुद्र एकता में पहचाई है। नदी द्रोणी और जल समुद्र का दोनों में एक जैसा ही आकार है, एक जैसा ही निर्माण होता है। वो बड़ी नदियां आकर बनाती है, इनको छोटी नदियां आकर बनाती है, दोनों की परिचय के जैसे की क्या है, परिचय के है, जैसे देश पूरक है, जिस प्रकार वो बनती वैसे ही वो बनती है। इनके एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों में पूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है।